Assalamu alaikum class, how are you all? Hope you are all fine and enjoying good health. And this is also very good news that today we are discussing the last topic from your subject salinity and water logging, and that topic is exchangeable sodium percentage. So let's move to your topic. तो इसमें देखें कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज. तो इसमें जिस जैसे हेडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, आप काइंडली अपने अपने सब्जेक्ट पे इसी तरह की हेडिंग बना लें और इससे आपका एक इम्प्रेशन भी अच्छा होता है हेडिंग से और समझ भी आ जाती है. सो इसको स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट वन हमारे पास है डीफ्लोकुलेशन. तो डीफ्लोकुलेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है कि द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम इट रिवर्स द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन. अब एग्रीगेशन का प्रोसेस हमारे पास क्या होता है कि जब सॉइल के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ हाईली क्लम्प्ड हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ गुच्छे बना के रखें, टाइटली एक दूसरे से बाउंडेड हो, इस अमल को हम कहते हैं एग्रीगेशन. लेकिन जो हमारे पास एक्सचेंजेबल सोडियम है वो इस प्रोसेस को रिवर्स कर देता है और इससे क्या होता है, इट कॉज द सोडियम सॉइल एग्रीगेट टू डिस्पर्स इनटू इट देयर कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल. तो इसका क्या नतीजा निकलता है, सॉइल के पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग होकर डिस्पर्स हो जाते हैं. डिस्पर्स का मतलब वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक तरह से जैसे एक भुरभुरा पान आ जाता है. सो इस अमल को हम नाम देते हैं डीफ्लोकुलेशन का. और मोस्टली ये अकर होती है हमारे पास सोडिक सॉइल में, ठीक है, द सॉइल हैविंग एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम. तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आप देखें कि इसका हम देखते हैं प्रोसीजर, ठीक है, ये होता किस तरह से है. सो डीफ्लोकुलेशन अकर्स बिकॉज अनलाइक द पॉलीवेलेंट केटाइंस ऑफ कैल्शियम एंड एलुमिनियम, ठीक है जी, कैल्शियम और एलुमिनियम जो है हमारे पास वो पॉलीवेलेंट है. पॉलीवेलेंट का मतलब होता है उनके ऊपर इधर पॉजिटिव 2 चार्ज है, ठीक है ना, या पॉजिटिव 3 चार्ज है या 4 और सो ऑन, ठीक है, यानी कि प्लस 1 चार्ज के अलावा अगर प्लस 1 से ज़्यादा चार्ज हो तो इसका मतलब होता है कि वो हमारे पास जो केटाइंस होती हैं वो पॉलीवेलेंट होते हैं, जबकि हमारे पास जो सोडियम है वो हमारे पास मोनोवेलेंट है. तो अब इसका कैसे क्या होता है कि व्हेन द सोडियम इज़ एब्जॉर्ब्ड ऑन टू द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इट कैन ओनली अटैच टू वन एंड हेंस अनलाइक विद सोडियम कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम इट कैन नॉट फॉर्म ब्रिज. तो हमारे पास क्या होता है कि जो सोडियम है वो एक टाइम पे एक पार्टिकल्स के साथ जो है वो अटैच हो जाती है, जबकि अगर हम कैल्शियम और एल्यूमिनियम की बात करें तो वो एक किस्म का ब्रिज बना लेते हैं. कैसे कि फॉर एग्जांपल अब जैसे कैल्शियम है, ठीक है, इसके ऊपर प्लस 2 चार्ज है तो एक टाइम पे ये दो पार्टिकल्स के साथ बॉन्डिंग करता है, उसी तरह अब जो दो वाले हैं वो मज़ीद दो के साथ मिलकर 4 बना लेते हैं, तो सो ऑन, ये चेन एक तरह से चलती रहती है. लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है, सोडियम के केस में ऐसा कुछ नहीं होता. सो दिस मीन द टू पार्टिकल्स विल रिपेल ईच अदर एंड क्रिएट अ डिस्पर्स्ड सोडियम कंडीशन, ठीक है. तो जब सोडियम किसी नेगेटिव पार्टिकल्स के साथ मिलता है तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है, तो उसी तरह जो है ये जो सिमिलर अगर पार्टिकल एक दूसरे के सामने आ जाएं तो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, तो सॉइल जो है वो डिस्पर्स्ड कंडीशन में आ जाती है. नेक्स्ट आप इसमें देखें इसका क्या रिजल्ट निकलता है, तो उसके ऊपर आप हेडिंग दें हार्डनिंग ऑफ सॉइल, ठीक है. सो द रिज़ल्ट इज़ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाइट अरेंजमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड सॉइल पार्टिकल्स सेचुरेटेड विद सोडियम, ठीक है. तो इसका क्या नतीजा निकलता है, हमारे पास एक सॉइल के जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल हैं वो एक टाइट अरेंजमेंट बना लेते हैं एक दूसरे के साथ कि जबकि वो सोडियम के साथ सेचुरेट हो चुके हों. सेचुरेट मीन सेचुरेशन हम कहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट व्हेन देर इज़ नो चांस ऑफ एडिशन ऑफ एन अदर अमाउंट, कि इतनी ज़्यादा अमाउंट आ चुकी हो उसमें सोडियम की कि अब मज़ीद जो है वो उसकी गुंजाइश ना रहे, तो इस को हम कहते हैं सेचुरेशन. तो ऐसी सॉइल जिसके अंदर सोडियम हाईली अमाउंट में मौजूद है तो वो सॉइल के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड हो जाते हैं. सो इन जनरल द मैक्रोपोरोसिटी इन द सोडिक सॉइल इज ग्रेटली रिड्यूस्ड एंड द वाटर इन्फिल्ट्रेशन स्लोज नियर टू ज़ीरो. तो इसमें क्या होता है कि सॉइल इतनी हार्ड हो जाती है, इतनी सख्त हो जाती है कि उनके अंदर जो है उसकी पोरोसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. पोरोसिटी कहते हैं जो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, विच आर एबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ आइदर वाटर और एयर. तो इससे क्या होगा कि ना तो हमारे पास जो सॉइल है एक तो उसका पोरोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, उसके अलावा जो वाटर है वो भी तकरीबन उसकी जो फिल्ट्रेशन है वो ज़ीरो हो जाएगी. उसी तरह व्हेन वेट सोडिक सॉइल हैज़ पुअर इनफिल्ट्रेशन एंड ड्रेनेज व्हेन इट ड्राइज इट बिकम क्वाइट हार्ड. तो ये सॉइल जो है ये उस वक्त कुछ हद तक फिल्ट्रेशन कर सकती है
जब जब उस वो हल्की सी वेट हो, क्योंकि जब उस पर पानी पड़ता है तो वो हल्की सी क्या हो जाती है, उसके कुछ बॉन्ड जो है वो वाटर के साथ अटैच हो जाते हैं, तो हल्की सी वो उसके अंदर सॉफ्टनेस आ जाती है, तो किसी हद तक तो वो इन्फिल्ट्रेशन कर सकती हैं, लेकिन जब वो ड्राई होती है तो अगेन वो जो है हार्ड हो जाती है। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट आप हेडिंग देखें कि इफ़ेक्ट ऑन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। अब इसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है सॉइल की किस तरह से अफेक्टेड होती हैं, तो इसमें देखें कि द मेजर इशू अराइजिंग फ्रॉम द सोडियम लेवल रिलेटिव टू द अदर एक्सचेंजेबल केटाइंस आर ऑन द फिज़िकल पैरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल। तो कहते हैं जो हमारे पास अगर किसी भी सॉइल के अंदर सोडियम की हाई लेवल मौजूद है तो उसका सबसे पहला असर जो है उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे होता है। कैसे कि इन द सरफेस सॉइल हॉरिजोन दिस इम्बैलेंस इन द रेशो ऑफ केटाइन रिजल्ट इन द पुअर सॉइल स्ट्रक्चर। अगर तो मिसाल के तौर पर जो सॉइल का हॉरिजोन है अपर लेवल ऑफ जो हमारे पास सॉइल होती है, अगर उसके ऊपर हाई लेवल ऑफ केटाइन्स है तो सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये कैसे आपको पता चलता है, दिस इज एविडेंस बाय द सरफेस सॉइल क्रस्ट और द सेटिंग ऑफ सॉइल इनटू द लार्ज ब्लॉक्स ऑन ड्राइंग। आपने देखा होगा अक्सर कि ऐसी हमारे पास ज़मीन होती है जिसके ऊपर बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई होती हैं, ठीक ना, खुश्क बिल्कुल ऐसे ड्राई बंजर सी ना, तो ऐसी ज़मीन जो है हमारे पास इसकी वजह से होती है, सोडियम की वजह से। सो एज अ रिजल्ट द सीडलिंग जर्मिनेशन एंड प्लांट ग्रोथ आर प्रॉब्लमेटिक। तो ऐसी ज़मीन पर प्लांट्स का ग्रो कराना, इवन के सीडलिंग को जर्मिनेट कराना भी इम्पॉसिबल है। तो नेक्स्ट इस पर हमारे पास क्या इफेक्ट निकलता है, सॉइल इरेशन, ठीक है ना। सॉइल इरेशन हमारे पास क्या होता है कि एसिडिक सॉइल विद फ्यू स्टेबलाइजिंग एजेंट्स इन द टॉप सॉइल विल अल्टीमेटली बी ससेप्टेबल टू इरेसिव सॉइल। अब अगर फॉर एग्जांपल अब ऐसी हमारे पास ज़मीन है उसके ऊपर रेनफॉल हुआ है, ठीक है, इंटेंस रेनफॉल की वजह से क्या होगा कि इसकी जो ऊपर की लेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लो आउट हो जाएगी, ठीक है, और या फिर जो हमारे पास इरीगेशन साइकिल होगा वो क्या होगा, इरेशन की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा, जो सॉइल की अपर जरखेज़ लेयर होती है, फर्टाइल लेयर होती है, वो क्या हो जाएगी, बह जाएगी, और इस अमल को हम सॉइल इरेशन का नाम देते हैं। सो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे दिस इज़ बिकॉज द वाटर इनटेक इज़ यूजली सो स्लो ओनिंग टू द पुअर सॉइल स्ट्रक्चर। अब इसकी वजह वही है कि सॉइल ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा हार्ड हो चुकी होती है कि उसमें से वाटर का इनटेक मुश्किल होता है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, सॉइल बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड हो जाती है, और स्पेशली इन केस द सॉइल हाई इन सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल साइज फ्रैक्शन, ठीक है। तो सॉइल में जैसे जिस तरह से क्ले का पार्टिकल बढ़ता जाएगा उसके अंदर जो सॉइल की हार्डनिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो इन द सब सॉइल द सॉइल सोडिडिटी लीड्स टू द डिक्रीज परमेबिलिटी टू द वाटर। अगर हम सॉइल की सेकेंड लेयर की बात करें तो उसके अंदर जो है वाटर की परमेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उसके अलावा एयर है और उस तरह पुअर वाटर ड्रेनेज होना शुरू हो जाता है। अब इसमें उन्होंने एग्जांपल दी है आपको साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है ना, कि साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका कैसे इफेक्ट है कि इन मेनी कॉटन ग्रोइंग एरियाज ऑफ द साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम डोमिनेट द एक्सचेंज कम्प्लेक्स। तो वहाँ पर जो है एक बहुत बड़े एरिया के कॉटन के एरिया को जो है अफेक्ट किया इसी सोडियम एक्सचेंज की वजह से, दिस इज़ पर्टिकुलर इन द केस ऑफ 0.921, ठीक है। सो द रीज़न फॉर दिस द प्रोसेस ऑफ सोडियम लीचिंग कम्प्लीट बिकॉज द मोस्ट कॉटन ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर लोकेटेड ऑन द एरिड एंड सेमी एरिड एरिया। अब इसकी वजह यह है कि कॉटन के ही फील्ड पर क्यों ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि वो ऐसे एरियाज़ में मौजूद हैं जो आइदर एरिड हैं, ठीक है, जो ज़्यादा सैराब किया जाता है जिन इलाकों को, या फिर सेमी एरिड एरियाज़ हैं, ज़ाहिर है फिर वहाँ पर जब सैराब का पानी ख़त्म होता है तो उसके ऊपर क्या होता है, वाटर साल्ट की लेयर इकट्ठी हो जाती है। सो बाई डेफिनेशन जो सोडिक सॉइल जो है ऐसी सॉइल को हम कहते हैं जिसके अंदर सोडियम की अमाउंट क्या हो, रिलेटिवली हाई हो एज़ कम्पेयर टू द कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम, ठीक है। सो जो है ई एस पी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका हमारे पास एक फार्मूला है कि इट इज़ एक्सचेंजेबल सोडियम, ठीक है, तो ये हमारे पास है सोडियम, इसको आप स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे, उसी तरह ऑल अदर केटाइंस इन टू 100। फर्दर ई एस पी वैल्यू अगर एज लो एज 2 कैन कॉज द सॉइल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम एंड इफ़ द कंसंट्रेशन इन द सॉइल इज़ वेरी लो। जो अगर ये तो अगर इसके अमाउंट फॉर एग्जाम्पल देखें नॉर्मल तो हमने देखी 0.9 से 1 तक है, अगर 1 से वो 2 पर चली जाती है तो ये सॉइल का प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, लेकिन अगर इससे भी मज़ीद हाई हो जाती है या 0.9 से लो चली जाती है तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, मज़ीद जो है इसके हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो दिस इज़ अ इशू इन इरीगेटेड वाटर वेयर द सोलबल सोडियम टू कैल्शियम मैग्नीशियम आयन इज हाई, इन उन इलाकों में होता है जहाँ पर सोडियम जो है वो एज़ कम्पेयर टू द कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो वाटर में हाई है। तो इसका हमारे पास फार्मूला SAR, ठीक है, तो इसमें सोडियम का हम आयन देखेंगे कि वो कितने अमाउंट में है उस सॉइल में, प्लस जो है इसके अंदर हम ओवर जो है इसमें हम देखेंगे कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम ओवर 2, ठीक है ना, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। सो इन ऑर्डर टू
contract the effect of the excessive sodium on the exchangeable complex, reinitiate the process of soil aggregation. तो अगर हम for example जो है हम किसी भी उस चीज़ को ख़त्म करना चाहें, अगर हम exchangeable sodium पे control कर लें किसी तरह से, तो again जो है soil aggregation का अमल जो है वो शुरू हो जाता है and calcium needs to reintroduce in dissolution. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें calcium को again जो है उस जो particular हमारे पास land है उसके अंदर उसको introduce कराना पड़ेगा. Last अब इसमें हम देखते हैं कि जिप्सम का क्या रोल है इसमें, जिसमें देखें कि दिस इज़ बेस्ट अचीव्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम. तो ऐसी ज़मीन जहाँ पे जो इधर हमारे पास जो वो सोडिक सॉइल है और उसके अंदर सोडियम एक्सचेंजेबल पोटेंशियल उसके अंदर बढ़ चुका है, तो हमें क्या चाहिए उस ज़मीन के ऊपर जो है वो जिप्सम अप्लाई करें. क्योंकि जिप्सम के अगर आप फार्मूला देखें तो दिस इज़ कैल्शियम सल्फेट डॉट टू एस टू ओ, ठीक है ना. इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं और कैल्शियम होता है एंड कैल्शियम इज़ अ डाईवेलेंट. तो ये क्या करेगा कैल्शियम, इट विल डिस्प्लेस सोडियम ऑन एक्सचेंज साइट एंड इन द सोडियम रिएक्ट विद द सल्फेट टू फॉर्म द सोडियम सल्फेट, ठीक है. तो ये जो CaSO4 आपको नज़र आ रहा है कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम जो है वो रिप्लेस कर देगा सोडियम को और सोडियम अटैच हो जाएगा सल्फेट के साथ. सो विच इज़ वाटर सॉल्युबल मटीरियल दैट इज़ लीच फ्रॉम द सॉइल. तो जब उसके साथ वो वाटर के साथ अटैच होगा तो सोडियम इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सल्फेट उस ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर देगा. सो इन एडिशन टू द जिप्सम लीड्स टू द रिमूवल ऑफ सोडियम एंड इट्स रिप्लेसमेंट ऑन द एक्सचेंजेबल साइट विट रिड्यूस द डीफ्लोकुलेशन. तो उसी तरह अगर हम इसी जिप्सम को ऐड करते रहें तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो उसके अंदर सोडियम है वो रिमूव होता जाएगा और उसकी रिप्लेसमेंट होती जाएगी विच रिड्यूस डीफ्लोकुलेशन. और इसका क्या नतीजा निकलेगा कि डीफ्लोकुलेशन यानी कि जो सॉइल डिस्पर्स हो चुकी थी ये चीज़ कम होती जाएगी और जो उसकी एग्रीगेशन है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे द पार्टिकल दैट इवेंचुअली रीस्टोर अ गुड सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है. तो अगर इस तरह हमने जिप्सम अप्लाई किया और आहिस्ता आहिस्ता अगर सोडियम को कैल्शियम रिप्लेस करता जाता है तो इससे क्या नतीजा निकलेगा, इट विल रीस्टोर द गुड सॉइल स्ट्रक्चर. तो एक तो सोडियम उसका सॉइल का स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाएगा, उसके अलावा जो जिप्सम है इट इज़ वेरी यूजफुल व्हेन द सॉइल स्ट्रक्चर डिटोरिएट्स बिकॉज ऑफ हाई सोडियम. तो इसका उसके अलावा अगर सोडियम की वजह से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है तो जिप्सम को अप्लाई करने से किसी हद तक जो है ये हमारे पास मेंटेन हो सकता है. अब हम इसके परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं कि द एक्सचेंजेबल सोडियम पोटेंशियल इज़ द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोडियम आयन प्रेजेंट ऑन द सॉइल सरफेस एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल केटाइन. तो एक सॉइल की पर्टिकुलर सरफेस पर जितनी अमाउंट ऑफ सोडियम मौजूद है उसको हम नाम देते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल केटाइन एक्सचेंज का. सिंस जो डिटर्मिनेशन ऑफ द CEC इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव बट प्रैक्टिकल एंड सेटिस्फेक्ट्री को रिलेशन विद द सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो, ठीक है. वो कहते हैं आइदर ये है तो बड़ा मुश्किल काम कि इस तरह से रिप्लेसमेंट कराना, लेकिन किसी हद तक ये हमारे लिए एप्लीकेबल हो सकता है. एंड ESP वॉज इस्टेब्लिश एंड ESP कैन बी एस्टिमेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला. तो हम इसको किस तरह एस्टिमेट कर सकते हैं, तो ये नीचे आपको स्क्रीन पर इसका फार्मूला दिखाया गया है, ठीक है. तो इससे हम ESP वैल्यू या किसी भी उसकी जो हमारे पास रेशो है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. तो ये हमारे पास जो ESP है इसे आप जो है SAR की रेशो ईजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस ज़मीन को किस लेवल तक जो है सोडियम आयन की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, ठीक है जी. तो नीचे उन्होंने आपको एक डायग्राम में दिखाया हुआ है कि सॉइल सोल्यूशन में किस तरह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और किस तरह उसके साथ सोडियम के पार्टिकल्स अटैच होते हैं. ओके जी, थैंक यू सो मच एंड मेक श्योर योर अटेंडेंस इन कमेंट बॉक्स. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.